देखिए, ढाए जाने के लिए मार्क जो की गई है दुकानों में, उनमें से एक दुकान पर हमारी टीम पहुंची और वहां पर जब दुकान मालिक से बात की तो पता चला कि उनके पास भी दुकान के कोई कागज नहीं है। अकबरनगर में ही मैं आपको और दुकानें दिखाने जा रही हूं जहां पर बुलडोजर की कार्रवाई हुई है और आगे भी होनी है। ऐसी एक दुकान अंशुल स्टील फर्नीचर की मालकिन सरला जी मेरे साथ मौजूद हैं, जहां पर अब लाइट नहीं आ रही है, पानी नहीं आ रहा है, सारी जो बेसिक सुविधाएं हैं वो फिलहाल काट दी गई हैं कार्रवाई के बाद में। और पीछे आप उनका घर देखिए, आपके घर हम चल सकते हैं आपके साथ में, देखिए पीछे घर है दुकान के और घर का रास्ता दुकान के साथ ही जा रहा है और अंदर घर के हम चल के देखते हैं। सरला जी, कितने कमरे हैं घर में? आप देखिए, खुद देख लीजिए, यहाँ पर लाइट जला लीजिए, देख लीजिए, तीन कमरे, ये देखिए नीचे हैं, देखिए जमीन में, कल से हम लोगों लेटे, ना अंधेरे में लाइट है ना पानी, बताए किस तरीके गुजारा करें। सरला जी, ये घर आपने कब खरीदा था? अब ये तो खरीदा भाई, हमारी सास के सास लोगों ने खरीदा हुआ था, तब से है दो चार, हम लोग तो आज 24 साल 25 साल से हो हम लोग रह रहे हैं, शादी होकर के आए थे, उससे पहले हमारी सास लोग रहती थी, तो उन लोगों को 60-70 साल हो रहे रहते हुए। क्या नाम हुआ आपका? अनिल कुमार। अनिल जी, तो आपके पिताजी ने ये घर कब खरीदा था? ये 13 साल के पापा आए थे, दादा ने खरीदा था जी। अच्छा। और फिर दुकान कितने साल हो गए बनाए हुए? दुकान करीब हो गई 30-35 साल हो गए। तो पहले तो यानी घर ही खरीदा था, घर के लिए आपने इस पैसा जो है वो आपके दादाजी ने दिया होगा? जो कुछ दिया हो दादाजी जान सकते हैं, हम लोग तो जान नहीं सकते। लेकिन घर में तो दुकान खोलने की इजाजत नहीं है ना, घर में आपने दुकान क्यों खोली? दुकान बाहर बनी है, घर पे नहीं बनी है, रोड पे बनी है। ये देखिए, खुर्रम नगर हो गया, रहीम घर, हम दुकान से ही तो गली में होकर हम लोग आ गए, दुकान और घर तो साथ साथ बना। दुकान आपकी अलग हो गई, गली आपकी अलग हो गई, आप दुकान से नहीं आए हैं। अच्छा, ये जो गली है ये घर की गली है, दुकान तो अलग है। वो तो इसके दस्तावेज भी हैं आपके पास जो पुराने हैं खरीदे हुए? जी सारे कागज हैं, हाउस टैक्स नहीं, दुकान के, दुकान उकान के कागज नहीं है। अब वो दादा कहाँ क्या कर गए क्या नहीं कर गए, हाउस टैक्स दे रहे हैं, बिजली का बिल दे रहे हैं, पानी का बिल दे रहे हैं, बत्ती का बिल दे रहे हैं, तो दुकान के कागज, दुकान तोड़वा दीजिए, सबकी दुकान तोड़े, सब तो अवैध है यहाँ पे। अबरार नगर हो गया, रहीम नगर हो गया, खुर्रम नगर हो गया, सब हो गया, यही पेपर है, कहाँ से पेपर लाएगा? ये बताइए आप। मैम यहाँ पे कोई रजिस्ट्री नहीं कराई गई, यहाँ पे चार चार पांच पांच पीढ़ियाँ ऐसी, खाली नगर निगम से, खाली नगर निगम से हम लोग को एक कागज दिया गया। तो जब अब सरकार का मैं पक्ष आपको बता रही हूँ, जब मैं आपको पक्ष बता दूँ, उनका पक्ष ये है कि जब दुकान के कागज है ही नहीं, यानी आपकी दुकान है ही नहीं, तो हमने अगर तोड़ दिया तो क्या गलत किया, ये आपके पास कागज होते अगर आपकी प्रॉपर्टी होती? जब रजिस्टर ये नहीं है तो कहाँ से कागज दे? नगर की अवैध है क्या? क्या बनवाने से पहले बोलते कि अवैध है, इतने दिन से हम लोग रह रहे हैं, आप सारा टैक्स ले रहे हैं, तब आपने नहीं कहा कि अवैध है? अब जब एक एक रुपया लगा दिया, पूंजी लगा दिया बाप दादा ने सब ने, अब नहीं बचाए तो कहाँ जाएंगे हम लोग? तो हमारी टीम यहाँ पर लगातार लोगों से बातचीत भी कर रही है, लोगों को आपने सुना, वो कह रहे हैं कि सालों साल से वो यहाँ पर रह रहे हैं, अब अचानक से अवैध बता करके उनको यहाँ से हटाने का काम किया जा रहा है, वो जाएं तो जाएं कहाँ? अब देखिए, बुलडोजर एक्शन पर बवाल, एबीपी न्यूज की पड़ताल आपको दिखाते हैं, पड़ताल में क्या हमें पता चला ये जानिए आप। देखिए, दुकानों की रजिस्ट्री या कोई आधिकारिक पेपर वहां पर नहीं मिला, ये जो पड़ताल हमने की उसमें ये बात सामने आई। दुकानदारों की दलील क्या है, जमीन अवैध थी तो बिजली हाउस वाटर टैक्स क्यों वसूला किया, उनकी भी दलील अपनी जगह ठीक है। देखिए, घर के लिए आवंटित जमीन पर अवैध रूप से दुकानें वहां पर बनी हमको मिली, ये पड़ताल में पता चला, और साथ ही दुकानदारों की अपनी दलील है कि पहले नोटिस क्यों नहीं उनको दिया गया और अचानक से वैध अवैध ये कैसे हो जाता है, एक प्रोसीजर होता है, नोटिस उनको क्यों नहीं दिया गया, अब अचानक से उनको कहा यह जा रहा है कि ये जमीन ये घर उनके बने हुए अवैध है और आप यहां से जाइए, ये प्रशासन की दलील है जिसको लेकर लोग नाराज हैं। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर ढाई पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए, और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखें अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर।
एबीपी न्यूज़ आपको रखे आगे।